डेज गोन का जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेलर देखा था और लॉन्च के टाइम के आसपास जब उसकी हाइप देखी थी तो मुझे उसमें से बहुत ज्यादा मेडियोक्रिटी देखने को मिली थी। ऐसा लग रहा था इस गेम में कुछ भी न्यू नहीं है एंड सब कुछ पास्ट 20 ईयर्स की मूवीज बुक्स एंड गेम्स जो कि जोम्बी या पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड है उनका मिक्सचर जो है वो बना दिया गया है। एंड ये सब मेडियोक्रिटी देखने के बाद मुझे सच में ऐसा लगा था कि ये गेम बकवास होगी या एक मतलब कह सकते हो ओवररेटेड गेम होगी एंड मैंने ये गेम स्किप कर दी थी। बट वन ईयर लेटर अराउंड 2020 के एंड में ये गेम मुझे 800 रुपीज़ में सेल पर मिली थी पीएस स्टोर पर। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करके देख लेते हैं, आखिर है तो एक्सक्लूसिव पीएस की, तो और पीएस की एक्सक्लूसिव्स का आपको पता है ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा ही रहता है यूजुअली। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस गेम कम्प्लीटली ब्लू मी अवे। फॉर द फर्स्ट आवर दिस गेम वॉज अटरली बोरिंग एंड डिसअपॉइंटमेंट। ऐसे लग रहा था ये सब कुछ मैंने पहले खेला या देखा कहीं ना कहीं। स्टोरी जो है वो प्रोग्रेस भी नहीं कर रही थी एंड ऐसे लग रहा था GTA की तरह रैंडम टास्क दिए जा रहे हैं हमें जो कि स्टोरी से कुछ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। इवन 5 ज़ॉम्बीज को मारना भी मुश्किल था स्टार्टिंग में क्योंकि आपके पास गियर अच्छा नहीं होता, गन्स अच्छी नहीं होती हैं, आपके स्किल्स अच्छे नहीं होते हैं गेम में। बाइक कंट्रोल जो थे वो बहुत ज़्यादा ऑफुल थे क्योंकि जो हमारे टायर्स और इंजन हैं वो अच्छे वाले अनलॉक नहीं हुए थे, अपग्रेड नहीं हुए थे। द फर्स्ट इंप्रेशन वॉज सो बैड अबाउट दिस गेम कि मैं इस गेम को ऑलमोस्ट बंद करने वाला था और डिलीट करने वाला था। बट मैंने सोचा थोड़ा सा और खेल के देखते हैं। एंड अराउंड 3 आवर्स के मार्क के आसपास जैसे ही 4th आवर में ये गेम की स्टोरी प्रोग्रेस की everything changed, it turned into something else. story जो है इसकी वो suddenly heavy and filled with consequences हो गई और character development से भर गई। bike upgrade करने की वजह से bike चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग पड़ा, guns upgrade होने की वजह से और game के अंदर के skills खुलने की वजह से zombies से fight करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग पड़ा। सबसे बड़ा चेंज मुझे ये लगा कि जो गेम पहले मैंने बताया कि पिछले 20 सालों की एक्शन मूवीज का क्लोन लग रही थी वो सडनली एक हार्ट फेल्ट एंड वेल रिटन लास्ट ऑफ अस काइंड ऑफ स्टोरी बन गई। एंड द रीजन टू कंटिन्यू दिस apparently mediocre game was also found. इस गेम की स्टोरी काफी सिंपल येट वंडरफुल है। एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में डीकन जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है उसकी वाइफ जो है वो गुम हो चुकी है एंड कहा जा रहा है कि वो मर चुकी है। बट डीकन को इस बात पे क्लोजर चाहिए, वो उसके पीछे अपने फ्रेंड से और हैप्पीनेस से डिस्कनेक्टेड रहता है एंड अपनी वाइफ के बारे में सोचता रहता है एंड उसको ढूंढने की कोशिश करता रहता है। अदर देन दैट इस गेम में 2 साइड प्लॉट लाइंस भी हैं, वन ऑफ देम बीइंग कि ज़ॉम्बी वायरस का मिस्ट्री क्या है, वो फैला कैसे, किसने बनाया, एंड सेकंड बीइंग डीकन का बेस्ट फ्रेंड बूजर जो कि उसका एक ऐसा दोस्त है जो कि भाइयों से भी ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं एंड वो दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं, इतने ज़्यादा उनमें अच्छा इमोशनल कनेक्शन है। ये गेम हर एक करेक्टर के लिए जो है वो हीरो वाला ब्लूप्रिंट फॉलो करती है जो कि काफ़ी फेमस है मेजर मूवीज में, बुक्स में एंड गेम्स में। इस गेम की वॉइस एक्टिंग टॉप नॉच है एंड प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट है इस डेकेड की। डीकन के वॉइस एक्टर ने काफी ज्यादा इमोशन स्कोर किए हैं डीकन के करेक्टर में एंड इस गेम को अलाइव बना दिया है। हर एक करेक्टर की बहुत ज्यादा अच्छी वॉइस एक्टिंग है एंड वेल रिटन वॉइस एक्टिंग है। बट एंड दिस इज अ ह्यूज बट, जो NPCs हैं नॉन प्लेएबल करेक्टर्स जो हैं उनकी वॉइस एक्टिंग बहुत ज्यादा होरेंडस है। एंड उनके एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा बैड हैं। अगर एनिमेशन की ही बात कर रहे हैं तो इस गेम के एनिमेशन ऑल्दो रेड डेड रिडेम्पशन 2 के लेवल के नहीं हैं, बट दे आर बेटर, वे बेटर देन मोस्ट ऑफ द गेम्स ऑफ दिस साइज। ग्राफिक्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ दिस गेम। इस गेम के ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं एंड कई बार तो मैंने इस गेम में मिशन वगैरह भूल कर एक क्लिफ पर बस व्यू देखा है, सनलाइट देखी है, ब्यूटीफुल सीनरी देखी है। इस गेम को बेस्ट एक्सपीरियंस करने के लिए आपको एक HDR TV लेना पड़ेगा एंड आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है HDR में, क्योंकि लाइट इस गेम में जो HDR इंप्लीमेंटेशन है वो वन ऑफ द बेस्ट है वीडियो गेम्स में से। इस गेम के कटसीन्स में मोकैप टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है एंड जो इस गेम के कटसीन्स हैं वो आपको एक हाई लेवल नेटफ्लिक्स स्टोरी की याद दिलाएंगे किसी भी जो कि एक्शन ड्रामा से फील्ड है। नाउ कम्स होल्ड द बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस गेम, द एबिलिटी टू फाइट मोर देन हंड्रेड्स ऑफ ज़ॉम्बीज एट अ सिंगल टाइम। इस गेम की बिगेस्ट एडवर्टाइजिंग पॉइंट था और इस गेम का बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट भी था एंड डैम मैंने इतना फन एंड एंगेजिंग कोई मैकेनिक किसी गेम में नहीं देखा है। इस गेम का जो होर्ड स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, होर्ड गेम प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इट फील सो गुड एंड ब्रेथ टेकिंग टू फाइट थाउजेंड्स ऑफ ज़ॉम्बीज एट अ सिंगल टाइम एंड ड्यूरिंग फाइट्स विद द ज़ॉम्बीज कुछ मूवमेंट ऐसे आएंगे जब आपकी हेल्थ इतनी सी बची होगी, आपका स्टेमिना भी इतना सा बचा होगा और आप एंड मोमेंट पे ज़ॉम्बी बिल्कुल पीठ के पीछे होगा, आप क्राफ्ट करोगे हेल्थ को और अपनी हेल्थ को रिप्लेनिश करोगे एंड सडनली लास्ट ज़ॉम्बी के पास जो आपने ट्रैप लगाया था किसी बॉम्ब का वो बटन को प्रेस करोगे, वो ज़ॉम्बी मर जाएंगे 5-6 एंड जब लिखा हुआ आएगा होड डिफीटेड सक्सेसफुली। बिलीव मी व्हेन आई से दिस, ये वाला जो एक्सपीरियंस है ये आपको कोई भी गेम ऐसा नहीं दे सकती, इतना बैड एस एक्सपीरियंस। एक होड को अपनी फर्स्ट होड को डिफीट करने के बाद आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लिस में चले जाओगे।
ये गेम बहुत ही ज्यादा ह्यूज है, बोथ इन टर्म्स ऑफ ओपन वर्ल्ड एंड द स्टोरी साइज। इस गेम में लिटरली एक मोमेंट ऐसा आता है जब एक म्यूजिक प्ले होना शुरू हो जाता है और आपको लगेगा गेम के अब क्रेडिट्स आने वाले हैं एंड यू वुड थिंक कि अब जो स्टोरी बची है वो सीक्वल में ये कंटिन्यू करेंगे, बट आउट ऑफ नोवेयर इस गेम का सेकंड मैप खुल जाता है एंड आगे की स्टोरी खुल जाती है। 20 आवर्स इन गेम को आपको खेलते हुए 20 घंटे हो चुके होंगे एंड सडनली आपको लगेगा गेम खत्म होने वाली है, बट गेम का सेकंड पार्ट शुरू हो जाएगा जो कि एक ही गेम के अंदर बंडल्ड है। तो ये गेम ऑलमोस्ट 45 आवर्स लॉन्ग है एंड एक एक मूवमेंट वेल डिफाइंड है, कोई भी मूवमेंट अननेसेसरी नहीं लगता इस गेम में एक्सेप्ट द फर्स्ट 3 आवर्स। इस गेम के न्यू मैप और न्यू स्टोरी को खेलोगे जब आप, तो आपको लगेगा आप डेज गोन 2 खेल रहे हो लिटरली, क्योंकि मैप इतना डिफरेंट है, लोकेशन इतनी डिफरेंट है, वो आसपास की वाइब इतनी डिफरेंट है, आपको नए अपग्रेड्स मिलेंगे एंड नई बाइक की एक्सेसरीज मिलेंगी, लिटरली ऐसा लगेगा कि ये पार्ट 2 है डेज गोन का। आई डेफिनेटली थिंक कि अगर ये गेम EA ने लॉन्च की होती तो 20 आवर्स मार्क में ये गेम को फिनिश कर देते एंड नेक्स्ट ईयर अगले साल उस गेम का सीक्वल लॉन्च कर देते विद द रेस्ट ऑफ द 20 आवर्स, जो कि इन्होंने इन मैडमैन ने बेन स्टूडियोज वालों ने फ्री में दे दिया हमें $60 में ऑलमोस्ट 45 आवर्स का हाई क्वालिटी कॉन्टेंट। बट मैंने तो ये गेम सिर्फ 800 रुपये में लिया है एंड समटाइम्स आई थिंक 800 रुपीज में वन ऑफ द बेस्ट परचेज अगर मैंने कोई की है तो ये गेम है। सो मच गुड कॉन्टेंट, सो मच गुड ओपन वर्ल्ड एंड सो मच करेक्टर डेवलपमेंट कि कभी कभी लगता है मैंने इनके साथ रोबरी कर दी 800 रुपये में ये गेम देकर। इस गेम को ड्यू टू अर्ली लॉन्च इशूज, अर्ली लॉन्च बग्स बहुत ज्यादा थे इसमें, तो इस गेम को अच्छे रिव्यूज नहीं मिले थे एंड काफी बोम्बार्ड किया गया था इस गेम को एंड स्टिल मैनी पीपल थिंक कि ये गेम बैड है बेस्ड ऑन दोज रिव्यूज, बट आई डेफिनेटली थिंक कि आपको इस गेम को एक ट्राई देनी चाहिए एंड ये इन गेम डेवलपर्स के साथ अनफेयर है क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा एंड हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि इतना लंबा है एंड आई डोंट थिंक मैंने इतनी लंबी और इतनी अच्छी गेम जो कि अपनी यू नो प्रोग्रेस को हर एक पासिंग आवर्स के साथ इंप्रूव करती रहती है 45 आवर्स तक, इतनी मैंने ऐसी गेम कोई नहीं देखी जिसने इतना ज्यादा ओवर अचीव किया हो। इस गेम का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। इस गेम में एक लुइस कैपेल्डी का सॉन्ग भी है जो कि लुइस कैपेल्डी बहुत फेमस सिंगर है, तो उसका भी एक सॉन्ग है बहुत अच्छा है वो भी डेज गोन सॉन्ग का नाम एंड इस गेम का बैकग्राउंड स्कोर और जो वाइब है ना इस गेम की वो आपको फार क्राई 5 की याद दिलाएगी, विलेज लाइफस्टाइल ऑफ अमेरिका उस टाइप की याद दिलाएगी, कंट्री स्टाइल की याद दिलाएगी आपको एंड बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग वाइब है इस गेम की। ये गेम एक डेफिनेटली मास्टरपीस है सोनी की तरफ से जो कि ओवरलुक्ड है एंड अंडरहर्ड है। यूजली गेम्स जो है वो ओवररेटेड होती हैं एंड ओवरहर्ड होती हैं, बट ये गेम अंडरहर्ड एंड अंडररेटेड है। तो इस गेम को मैं चाहता हूँ क्योंकि अब ये गेम पीसी पर लॉन्च होने वाली है कुछ ही मंथ्स में और मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो है मेरे वो पीसी गेमर्स हैं, तो मैं चाहता हूँ आप इस गेम को जरूर ट्राई करना जब भी लॉन्च होगी एंड इस गेम को खुले दिल के साथ ट्राई करना, ये मत सोचना कि इस गेम के रिव्यू अच्छे नहीं मिले थे या बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ इस गेम को खेलना एंड इस गेम को एज इट इज एक्सपीरियंस करना जैसी बनी है। मैं एक एडवाइस सिर्फ उनको दूंगा जो भी इस गेम खेलना चाहते हैं कि फर्स्ट के 4 आवर्स को एक बार कोशिश करो कि आप खेल लो किसी तरह, उसके बाद ये गेम बहुत अच्छी गेम बन जाती है। So guys, that was pretty much it for this video. I hope you liked this video. And if you did, then please like and tell me your thoughts about the video in the comment section. Subscribe kar do nahi kiya hai. And I'll see you next time. Till then, too sweet.